निश्चित रूप से अब तक भारतीय राजनीति के ऊपर मौजूदा एक दो दशक में बात करें तो ऐसा लगता था कि कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बार बार खींच करके दक्षिणपंथी सियासी खेमा राजनीति को ले जाना चाहता था और बाकी दलों को मजबूर कर देता था कि आप उसके पक्ष में खड़े हो या विपक्ष में खड़े हो, और असल में दोनों का फायदा दक्षिणपंथी खेमे को होता था। उसमें कई बार कोशिश की गई कि सरोकारी मुद्दों को सियासत की धुरी बनाया जाए, लेकिन उस पर उस दर्जे की कामयाबी नहीं हासिल हुई। और बिहार को इस बात की बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने दो सवालों पर सियासत की पिच को, धुरी को बदल दिया है। बिहार ने पिछले एक साल में तकरीबन 4.5 लाख सरकारी नौकरियां दी हैं और अब तक के इतिहास में इतने कम वक्त में इतना रोजगार किसी सरकार ने नहीं दिया था। तो रोजगार केंद्रीय विषय बना जिस पर सियासत बदली है। और दूसरा मुद्दा जाहिर है जाति जनगणना का था। मैं उन पाठकों में हूँ सामाजिक न्याय की विचारधारा के, जिन लोगों ने किताबों से पढ़ करके, हमने लोहिया को नहीं देखा, हमने बाबा साहब अंबेडकर को नहीं देखा, हमने मंडल आंदोलन नहीं देखा, हमने तमाम विचारकों को नहीं देखा, लेकिन जब किताबों को पढ़ा तो लगा कि आइडिया ऑफ इंडिया तो इस गलियारे से होता हुआ यहाँ तक पहुंचा, जिसे बार बार बाधा के रूप में रोका गया कि सब बराबर न हो जाएं, सबको सबके हिस्से का हक न मिल जाए। और असल में आइडिया ऑफ इंडिया के कोर आइडियोलॉजी में यह था, न्याय, समता, बंधुता। और बाबा साहब अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक चेतावनी दी थी कि संविधान लागू होने के बाद एक राजनीतिक बराबरी तो हम दे रहे हैं, एक व्यक्ति एक वोट की कीमत, मगर यदि इस समाज में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो राजनीतिक बराबरी बराबरी के मायने नहीं निकले। आजादी का अमृत काल मनाया जाना, शिगोफों और जुमलों की बरसात होना, उस बीच में शायद ये किनारे पड़ता जा रहा था कि सब बराबर हो रहे हैं कि नहीं। तो हमने जिस सामाजिक न्याय की विचारधारा को पढ़ा, समझा, जाना, उसमें हम लोग वो थोड़े से लोग हैं जो लगातार इस पर लिखते, पढ़ते, बोलते रहे, और जिसके एवज में हमें जातिवादी और रिग्रेसिव, विभाजनकारी सब कुछ सुनना पड़ा है। लेकिन हम ये जानते थे कि इस देश का कितना बड़ा मुद्दा जाति जनगणना है, क्योंकि ये केवल जातियों को नहीं गिनेगा, वो उसका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल तक जाएगा। इसलिए मैं बाकायदे पता था कि अगर जाति जनगणना केंद्रीय मुद्दा बन गया तो कोई चुनाव जीते या हारे, देश मजबूत, ये मेरा मानना। तो बिहार की जी सरकार ने उस धुरी को केंद्र में कर दिया है और इसने कम से कम बाकी दलों को, कांग्रेस पार्टी, देखिए राहुल गांधी एक नए रूप में जब दिख रहे हैं तो वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि भाई महिला आरक्षण में कोटा विद इन कोटा में हमसे गलती हुई, हम इसको मानते हैं। ये होता है न्याय का विचार। वो कहते हैं कि जाति जनगणना हम कराएंगे। तो अब सियासत की धुरी बदल रही है और मेरा मानना है कि ये मौजूदा दौर की सियासत का सबसे अहम अध्याय लिखा गया। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।